ना कैसे मैंने रैन बिताई। गीत सुनते ही आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन सा राग सीखेंगे। आज हम सीखेंगे राग अहिर भैरव। इस राग में हम सीखेंगे दो बंदिशें और उसके साथ आलाप और तान। तैयार हैं? चलिए सीखते हैं। राग अहिर भैरव को थाट भैरव में रखा गया है। थाट भैरव में कोमल रे और कोमल ध का प्रयोग किया जाता है और राग अहिर भैरव में कोमल रे और कोमल नी, ये दो स्वर गाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य सभी स्वर शुद्ध लगाए जाते हैं। जाति है संपूर्ण संपूर्ण, वादी म संवादी सा, इसलिए तानपुरा मिलाया जाएगा सा म पर। समय है दिन का प्रथम प्रहर यानी सुबह 6 बजे से 9 बजे। न्यास के स्वर हैं रे ग म और प। आइए देखें राग अहिर भैरव में आरोह अवरोह और पकड़। सा सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म ग म रे रे सा ग म रे रे सा ध नी रे रे सा नी सा ध नी रे रे सा। पूर्वांग में राग भैरव का आभास होता है जैसे सा रे ग म प ग म रे रे सा। इस राग में कोमल रे ज्यादा दिखाते हैं, ये इसलिए क्योंकि भैरव अंग अधिक दिखाते हैं, कोमल रे पर आंदोलन भी करते हैं, अतः थाट है थाट भैरव। राग विस्तार तीनों सप्तकों में किया जाता है। उत्तरांग में खमाज या फिर काफी राग की छाया दिखती है जैसे प ध नी सा नी ध प ग म प ध नी नी सा। आइए बंदिश के नोटेशंस देखें। अलबेला सजन आयो री अलबेला पमरे रे सारे सजन आयो री नी सारे ग ग म मोरा मम ऑफबीट अत मन पध नी सा ऑफबीट सुख नी सा नी ध पायो री पनी नी ध प ग अलबेला सजन आयो री मोरा वन अत मन वन सुख पायो री अलबेला सजन आयो री मोरा अत मन सुख पायो री अलबेला सजन आयो री। अब हम अंतरा सीखेंगे। ऑफ बीट मंगल गाओ मम पधनी सा सा ऑफ बीट चौक पुरावो नी सा नी ध प नी ध म। सेकंड टाइम मंगल गाओ वन चौक पुरा
बेला सजन आयोरी। ये बंदिश 16 मात्रा की ताल 3 ताल पर आधारित है। स्थाई को हम शुरू करेंगे 7वीं मात्रा से। धा धिन धिन धा धा धिन अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा अत मन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, मोरा अत मन सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी। मंगल गाओ चौक पुरावो, मंगल गाओ चौक पुरावो, मन मंदिर सुख पायोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन आयोरी, अलबेला सजन सानिध पधनी रे सा सारे गम रे सा, अलबेला सजन सारे गम प गम पधनी ध प गम रे सा, अलबेला सजन गम पधनी ध प म गम पधनी बेला।
बाप मगर जाल बेला सजन आयोरी अल बेला बोल तानों के नोटेशंस देखें। अलबेला सजन आयोरी धनी रे सा अलबेला सजन आयोरी पम गम रे सा अलबेला वन इतना ही रुकना थर्ड में अलबेला सजन गम पध सा निध प आयो पम गम रे मगर सा ऑफ बीट सजन मगम अलबेला सजन आयो रे सजन अलबेला सजन आयो रे। आइए ताने सीखते हैं पहले। अलबेला बिल्कुल रुकना नहीं है यहाँ पे। अलबेला सारे गमा पधरे गमा पधानी सानी धा पमगरे रे सा सारे गमा पधरे गमा पधानी सानी धा पमगरे रे सा अलबेला गमा पधानी सारे गरे सानी धा पमा परे गमा पगमरे सा अलबेला गम पधनी सारे गरे सा निधा पमा परे गम पगम रे सा अलबेला सजन आयो रे। थर्ड देखते हैं। अलबेला सारे गम पधरे गम पधनी सा निधा पनी धा पमा गरे सा निधा पनी धा पमा गरे सा निधा पनी धा पमा गरे आयो रे। थर्ड तान फिर से देखते हैं। सारे गमा पधरे गमा पधनी सानी धा पनी धा पमगर सानी धा पनी धा पमगर सानी धा पनी धा पमगर आयो रे। फर्स्ट सेकंड और थर्ड तान में बिल्कुल नहीं रुकना। फोर्थ तान में हम थोड़ा सा रुकेंगे। अलबेला गगरे सनी निधा प गगरे सानी धा पमगरे सा अलबेला। फिफ्थ तान में भी इसी तरह रुकेंगे। अलबेला रे गमा पमा गरे सा गमा पधा नी नी धा पा गमा पधा सा नी धा पा पधा नी नी धा धा पा पा मा पमा गरे रे सा मा पमा गरे रे सा मा पमा गरे सा। चलिए राग अहिर भैरव में एक और बंदिश सीखें। ये बंदिश भी तीन ताल पर ही आधारित है। स्थाई 12 मात्रा से है और अंतरा भी 12 मात्रा से ही है। जाऊं तो पे वारी 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 जाऊं तो पे वारी रे सा नी धनी रे सा वारी वारी ग ग म ग प म म रे सा जाऊं तो पे वारी 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 श्याम गम ध प सुंदर धसा निध प म म श्याम सुंदर रे वा म ग प म रे रे सा म ग प म म रे रे सा श्याम सुंदर रे वा जाऊं तो पे वारी 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 श्याम सुंदर जाऊं तो प
बेवारी वारी वारी। आइए अंतरा के नोटेशंस देखें। मन बस गई है मम धा धनी सा सा छवि अति प्यारी नी सा धनी रे रे सा। मन बस गई है छवि अति प्यारी बिसरत नाही रे सूरत तिहारी ग ग म ग प म रे रे सा बिसरत नाही सूरत तिहारी जाऊं तो बेवारी। धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन जाऊं तो बेवारी जाऊं तो बेवारी वारी वारी श्याम सुंदर श्याम सुंदर जाऊं तो बेवारी वारी वारी जाऊं तो मन बस गई है छवि अति प्यारी मन बस गई है छवि अति प्यारी बिसरत नाही सूरत तिहारी बिसरत नाही सूरत तिहारी जाऊं तो बेवारी वारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको कैसा लगा। जल्दी जल्दी सीख लीजिए ये राग, क्योंकि अब हम फिर मिलेंगे एक नए गीत के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे स्माइलिंग, गाते रहिए बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते।